हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम मूंग की दाल को अंकुरित करके खाने के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। आपने अक्सर लोगों को चने की दाल को अंकुरित करके या जो काला चना साबुत चना होता है उसको अंकुरित करके खाते हुए देखा होगा, लेकिन उसको खाने के बाद में बहुत सारे लोगों को वो हजम नहीं होता है और उसके जो मेन हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनका वो फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो एक जो लोग चने की दाल को या अंकुरित चने को नहीं पचा पाते हैं वो अंकुरित मूंग की दाल को आसानी से पचा सकते हैं और इसके भी लगभग उतने ही हेल्थ बेनिफिट्स हैं जितने अंकुरित चने के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो आप विदाउट हेजिटेट इसका सेवन करें, ये पचने में भी बहुत आसान होती है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर मौजूद विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन ई के साथ साथ इसके अंदर पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। जब हम मूंग की दाल को अंकुरित कर लेते हैं तो इसमें मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा और भी कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला जो मेन हेल्थ बेनिफिट्स है वो ये है कि क्या डायबिटिक पेशेंट जो मधुमेह रोगी होते हैं वो अंकुरित दाल खा सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है यस, वे विदाउट हेजिटेट अंकुरित मूंग की दाल को बिल्कुल खा सकते हैं। मूंग की दाल को स्प्राउट हो जाने के बाद में इसके अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए मधुमेह रोगी विदाउट हेजिटेट इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। मूंग की दाल को अंकुरित करके खाने का जो सेकंड मेन बेनिफिट है दोस्तों, वो ये है कि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं, जिससे हमारे शरीर की डिफरेंट तरह के रोगों से लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अभी जैसे गर्मी से सर्दी का मौसम आने वाला है तो बहुत सारे लोग बुखार की चपेट में और डिफरेंट वायरल की चपेट में आ जाते हैं, तो उनके लिए ये एक रामबाण साबित हो सकती है। तो आप इसका रेगुलर बेसिस पर सेवन करें, डेफिनेटली जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी। ठीक है, ये शरीर को साफ करने के काम भी आती है। इसके अंदर मौजूद तत्व शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। इसके रेगुलर सेवन से शरीर के अंदर मौजूद विषाक्त तत्व में बहुत ज़्यादा कमी आती है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर को साफ करने के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो लोग खून की कमी से परेशान हैं या बीमारी की वजह से उनके शरीर में खून की कमी आ गई है, तो ये आयरन का भी एक बहुत बेहतरीन सोर्स है। ये हमारे शरीर से एनीमिया की प्रॉब्लम को दूर करता है और हमारे शरीर में उचित खून की मात्रा को बढ़ाता है, बीपी को नियंत्रित करता है। इसके साथ साथ दोस्तों, जो लोग कब्ज से परेशान होते हैं या जिनका जो पाचन तंत्र है वो सही तरीके से काम नहीं करता है, उनके लिए तो ये रामबाण का काम करती है, क्योंकि अंकुरित चने में फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है जो हमारे पाचन क्रिया को ठीक करके उसको सही तरीके से चलाने में बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और जब हमारा पाचन तंत्र सही तरीके से काम करता है तो ऑटोमेटिक ही कब्ज जैसी बीमारियों से हमें बिल्कुल निजात मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, इसके रेगुलर सेवन से अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है या आपको त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो हेयर फॉल में भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सुबह नाश्ते में आप एक कटोरी मूंग की दाल, अंकुरित मूंग की दाल खाएं, डेफिनेटली जो आपका हेयर फॉल है वो कुछ ही दिनों में बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ सुबह नाश्ते में अगर आप एक कटोरी अंकुरित मूंग की दाल का सेवन करते हैं तो ये त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स से भी निजात दिलाता है। साथ ही साथ ये एज अ एंटी एजिंग काम करता है। हमारे चेहरे पर जो झुर्रियाँ पड़ती हैं या एजिंग प्रोसेस को ये बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। तो आप इसका रेगुलर बेसिस पर अगर सेवन करेंगे तो ये हमारे जो बढ़ती उम्र हमारे चेहरे पर दिखाई देती है उसको भी कंट्रोल करता है। अब दोस्तों, इसको कितनी क्वांटिटी में खाना है और कैसे इसको तैयार करना है, आप बाजार से साबुत मूंग की दाल को परचेज कर ले आए। रात में आपने लगभग 20 से 30 ग्राम दाल को सही तरीके से धोकर साफ करके किसी कटोरी में भिगो देना है। सारी रात उसको ऐसे ही भीगने दें। अगले दिन आप उस अंकुरित दाल को उसका पानी निकालकर एक तरफ कर दें और एक सूती कपड़े में उस दाल को बांधकर रख दें। ठीक है, कपड़े में बांधने के बाद दोस्तों थोड़ा सा पानी उसके ऊपर डाल दें और लगभग 2 से 3 घंटे के बाद आप देखेंगे कि आपकी दाल बिल्कुल अंकुरित हो चुकी होगी।
ठीक है। तो आप इसका सेवन लगभग 20 से 30 ग्राम तक डेली बेसिस पर कर सकते हैं। किसी भी टाइम आप इसको खा सकते हैं। अगर सुबह आप नाश्ते में इसको ऐड करना चाहते हैं तो जो भी आप नाश्ता करते हैं उसके साथ में इसको खाएं, या आप सिर्फ अंकुरित मूंग की दाल से ही अपना सुबह का नाश्ता कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसको खाने के बाद में भी खा सकते हैं, या आप अगर चाहें तो इसको लंच के साथ में भी इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप रेगुलर बेसिस पर अंकुरित दाल का यानी कि साबुत मूंग की अंकुरित दाल का सेवन जरूर करें। इसके होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। डेफिनेटली ये आपके शरीर को, आपके बालों को, आपकी त्वचा को बहुत अधिक फायदा पहुंचाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अपने मोबाइल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियोस के जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें, और हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।